ट्रेडिंग में मैं 10 दिन तक लगातार प्रॉफिट करता था और एक दिन ऐसा आता था कि वो 10 दिन का प्रॉफिट मैं लॉस में कन्वर्ट कर देता था और 10 दिन का प्रॉफिट एक दिन के लॉस में चला जाता था और कभी कभी तो कैपिटल भी उसमें से लॉस हो जाता था, प्रॉफिट के अलावा कैपिटल भी लॉस में चला जाता था। आप लोग के साथ भी पहले ऐसा होता होगा या अभी हो रहा होगा, मेरे साथ पहले बहुत बार ऐसे होता था कि 5-5 दिन तक लगातार मैं ग्रीन रहता था और एक दिन के लॉस में सारा के सारा लॉस हो जाता था, सारा के सारा जो प्रॉफिट 5 दिन में कमाया था वो सारा एक दिन में ही चला जाता था। ओके, तो दोस्तों इसको मैं कैसे सही किया, कैसे इसको सही किया और इसको सही करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हो। दोस्तों ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग जो है आपका आर्मी जैसा डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आजकल क्या करते हैं मार्केट में, मैं देख रहा हूँ बच्चा सब क्या कहते हैं कि लल्लू पंजू बच्चा सब, मतलब क्या बोले उसके लिए, कोई शब्द नहीं, छपरी ट्रेडर सब आ गया है आजकल बहुत ही ज़्यादा। वो क्या करते हैं ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिखाने का, आपको मोबाइल में जा रहे हैं ट्रेड ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, बहुत ही इजी वे में मार्केट आपको दिखाता है और होता क्या है कि वो 2-3 दिन में मार्केट से बाहर चला जाता है और आप लोग को उल्लू बना देता है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ट्रेडिंग के लिए ये एक बिजनेस है और बिजनेस को काफ़ी कुछ प्लान करके करना पड़ता है, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। 10-10 दिन के लॉस, एक दिन के 10-10 दिन के प्रॉफिट, एक एक दिन के लॉस में मैंने देखा है। और आज मेरे साथ क्या होता है कि अगर मान लो कि लगातार 2-3 ट्रेड अगर मैं लॉस भी कर दूं ना एक दिन में, तो चौथा ट्रेड ऐसा पकड़ता हूं कि वो सारा के सारा 3 ट्रेड प्रॉफिट भी हो जाता है। हाँ, वो सारा 3 ट्रेड जो लॉस में था वो प्रॉफिट में अब आ जाता है, मतलब ये कि जो 3 ट्रेड लॉस किया हूँ ना, ओवरऑल जो लॉस रहता है वो प्रॉफिट ग्रीन में हो जाता है। तो ऐसा धीरे धीरे आपको भी करना पड़ेगा। अब मैं किस चीज़ को अवॉइड किया था ये सब चीज़ करने के लिए, देखो जो 10 दिन का लॉस एक दिन में आप 10 दिन का प्रॉफिट एक दिन में जो लॉस करते हो आप, इसको आप कैसे सुधार सकते हो। आप सिंपल एक चीज़ लिख लो कि अगर आपका कैपिटल कितना भी है और आप डेली का रिस्क 5,000 लेना चाहते हो, तो आप ये देखो कि अगर 5,000 मेरा लॉस हो जाता है तो उस दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हाँ, अगर जब तक आप सेटअप पे बैठे रहोगे कोई ना कोई आपको ट्रेड देखेगा, आप ले लोगे, ट्रेड दिखेगा आप ले लोगे। तो आप ऐसा करो कि आपको अगर लगातार 1-2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो रहा है, तो मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ, मैं 10-5 मिनट के लिए, आधा घंटा 1 घंटा के लिए क्या करता हूँ कि मैं सेटअप पर से उठ जाता हूँ। मतलब मान लो कि यहाँ पे बैठ के मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं उठ जाता हूँ, बाहर चला जाता हूँ किसी और रूम में, होम थिएटर पर गाना सुनता हूँ या बाहर रोड पर टहलने चल जाता हूँ या कहीं पे भी, मतलब मनोरंजन करने के लिए या किसी दोस्त को, किसी को भी जिससे आप 10-15 मिनट 1-1 घंटा तक मजाक मस्ती वाला बात कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आप बैक टू बैक लॉस हो रहा है और आप सेटअप पे बैठे हो, तो बार बार आपको ट्रेड लेने का मन करेगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद जब आते हो ना, तो आपका दिमाग हल्का होता है और आप सोच समझ के ट्रेड लेते हो और वो ट्रेड आपका सही हो जाता है। ओके, एक चीज ये होना चाहिए कि बैक टू बैक अगर 1-2 लॉस होता है तो आप सेटअप पर से उठ जाओ आधा 1 घंटा के लिए और चले जाओ। दूसरा बात कि आपको डेली का लॉस लिमिट सेट करना पड़ेगा। जब तक आप लॉस लिमिट डेली का नहीं सेट करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। देखो 10 दिन का जो प्रॉफिट आप एक दिन में लॉस करते हो ना, उस दिन आपको ऐसा महसूस होगा, आप टूट जाओगे अंदर से कि देखो भाई मैं कितना बड़ा सिंह हूँ, मैं कितना बड़ा गधा हूँ, जो 10 दिन का प्रॉफिट था मैं 10,000, 50,000, 1,00,000 जो भी आप प्रॉफिट किया 10 दिन में वो आप लॉस कर लिए। तो ये काफ़ी मतलब निराशजनक होता है। ओके, और एक सेटअप बनाओ, आप एक सेटअप बनाओ कि मैं ये सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा वरना नहीं करूँगा। इससे क्या होगा ना, आप 10 सेटअप मार्केट में फॉलो करोगे, 10 जैसा ट्रेड मिलेगा और आप क्या करोगे, हर पे ट्रेड लोगे, किसी पे लॉस होगा किसी पे प्रॉफिट होगा और ओवरऑल आप प्रॉफिट लॉस में ही रहोगे। तो इसलिए एक सेटअप बना लो, सेटअप इन द सेंस मैं बोलूँ कि मान लो कि मेरा धमाका स्ट्रेटजी है, तो धमाका स्ट्रेटजी दिन भर में एक ट्रेड देता है, तो आप एक ट्रेड लोगे तो आप ओवर ट्रेड कर ही नहीं पाओगे और एक ट्रेड पे आप अच्छे से रिस्क भी ले सकते हो और अच्छे से आप प्रॉफिट भी कैच कर सकते हो। इस टाइप से होता है। तो आप अपना कोई सेटअप बना लो और काफ़ी कुछ ऐसे करके प्लान करो, सब कुछ प्लान करो भाई। आजकल लल्लू पंजू भी क्या करते हैं कि ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, ऐसे लोग ट्रेडिंग को इतना सिंपल बता दिए हैं कि भाई ऐसे ऐसे लोग ट्रेडिंग करने लगे हैं, मतलब जिसको, मतलब भाई उसके लिए एक छोटा सा दुकान खोल दिया जाए तो वो भी उसको नहीं चला पाएगा और ट्रेडिंग करने आया है। देखो ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग काफ़ी मतलब दिमाग का खेल है, इसमें आपका ये जो साइकोलॉजी है ना आपको बेचैन नहीं होने देता। बैक टू बैक 1-2 लॉस होता है, लोग बेचैन हो जाते हैं और लोग क्या करते हैं कि ट्रेड पे ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं भाई, दिमाग के साथ आपका खेला जा रहा है, तो सबसे पहले आपको दिमाग को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में दिमाग पे कंट्रोल नहीं है तो आप चाहो किसी से भी सीख लो, किसी का भी लाइव सेशन ज्वाइन कर लो, कोई भी स्ट्रेटजी उठा लो, आपका दिमाग पे कंट्रोल नहीं है तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ मुझे बहुत ही जल्दी रियलाइज हो गया था और बहुत जल्दी मैं क्या किया,
कि ट्रेडिंग मतलब मैं प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको भी ये चीज़ करना पड़ेगा भाई। आप मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि 50,000 कैपिटल है और डेली का 500 रुपया ट्रेड 500 रुपया निकालना है मार्केट से, तो आप डेली का 500 रुपया ईजी वे में निकाल दोगे, ईजी वे में 500 रुपया प्रॉफिट निकाल दोगे। और वही आप लोग 50,000 कैपिटल पे 5,000 2,000 4,000 का सोचोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप सारा के सारा कैपिटल डुबा दोगे। एक मैं स्टोरी सुना रहा हूँ भाई, एक स्टोरी, एक इंडिया के बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है और काफ़ी करोड़ों का PNL वगैरह डालता है, वो कुछ दिन पहले जूम सेशन निकाला था। मेरा एक करीबी था, कोई दोस्त था, वो जूम सेशन उसका ज्वाइन किया, वो उसका 1,00,000 का कैपिटल था। वो बोलता था कि 10% क्या करो, 1,00,000 पे 10% हर एक ट्रेड में रिक्स लो। अब बंदा 10-10,000 का रिक्स लेते गया और भाई बैक टू बैक चार स्टॉप लॉस गया और उसका 40% कैपिटल ड्रॉडाउन हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट दिन 2 से 3 ट्रेड लगातार बैक टू बैक लॉस कर गया और बोलता था कि मार्केट अच्छा नहीं। भाई मार्केट अच्छा नहीं तो 10% का रिस्क क्यों दिलवाया। तो एक चीज और भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक यूट्यूबर पर विश्वास मत करो, देखो सबको, फॉलो अपने दिमाग को करो, अपने सेटअप को फॉलो करो। जल्दी से अमीर बनना चाहोगे तो लॉस ही होगा। मार्केट में अगर आपको जरूरत है पैसे का कि भाई मेरे घर नहीं चल रहा है, ये है वो है, तो क्या करो कि ट्रेडिंग आप उस टाइम नहीं करो, क्योंकि ज़रूरत आपके पास है पैसे का बहुत ज़्यादा, तो आप मार्केट आपको पैसे नहीं देने वाला, मैं लिख कर आपको दे सकता हूँ। क्योंकि कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले मुझे पैसे का बहुत ज़रूरी था और उस टाइम मैं रियल एक्सपीरियंस किया हूँ। मान लो कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉस कर लिए हो, रिकवर कर लिए हो, और बहुत ज़्यादा लॉस कर लिए और रिकवर का सोच रहे हो, तो आपको पैसे नहीं देने वाला है मार्केट। ये सब देखो, मार्केट बहुत ही ना एक रोबोट है, मार्केट के अंदर कोई इमोशन नहीं है, मार्केट आपको लूटेगा, आपको लूटेगा नहीं तो दूसरा लोग प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। तो ये सब चीज़ देखो, प्लान करो प्रॉपर कि डेली का रिस्क कितना लेना है, अनएक्सपेक्टेड रिस्क नहीं होना चाहिए। मैं अपने कैपिटल पर डेली का रिस्क 2 से 4%, 5% मुश्किल से 5% डेली का रिस्क लेता हूं। कैपिटल पे 5% डेली का रिस्क रहता है, जबकि एक अच्छा सा सेटअप है, ज्यादा एक्सपीरियंस है जो तब, ओके, प्रॉफिट जितना ज्यादा हो जाए, लेकिन रिस्क अगर 5% कैपिटल का 5% गया तो मैं मार्केट से उस टाइम निकल जाऊंगा और फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करने का सोचूंगा। अब 5% कैपिटल का क्या हो गया कि 20 दिन लगातार आपका लॉस होना चाहिए, 20 दिन लगातार लॉस नहीं होगा, ओके, इस टाइप से होता है। और लल्लू पंजू यूट्यूबर, छपरी यूट्यूबर को छोड़ो, छपरी ट्रेडर सबको छोड़ो, जो बड़े बड़े बातें करेंगे, उनका पता नहीं कि उनका कितना कैपिटल है, क्या है, ट्रेड करता है क्या नहीं करता है, और आप लोग उसके बहकावे में आ जाते हो, उसके कार में आ जाते हो, उसके फॉर्चूनर में आ जाते हो, उसके वॉच में आ जाते हो, ये वॉच वगैरह घड़ी वगैरह देखकर। बहुत सारे चीज़ होते हैं जो आपको नहीं करना होता है, आपको क्या करना पड़ेगा यही चीज़ देखो। मान लो कि जो 10 दिन का आप प्रॉफिट किए हो और अगर आपका डेली का लॉस लिमिट फिक्स रहता है कि भाई 5,000 ही लॉस करना है, डेली का आपका 5,000 रिक्स है तो 5,000 ही लॉस करना है, तो आपका उस 10 दिन का प्रॉफिट भी बचा रहता है और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं। ओके दोस्तों, जब मैं ये चीज़ सब लिखा था ना, तो पिछले सितंबर में मैं पूरे के पूरे फर्स्ट मंथ था जो मैं प्रॉफिट में, एक साल पहले की बात है कि मैं प्रॉफिट में क्लोज किया था, ये सारा चीज़ मैं लिख लिया था। ओके, ट्रेड भी मैं ज़्यादा नहीं लेता था, 2-3 ट्रेड लेता था, हो गया, इतना ही ट्रेड होता था। तो आप ये सब चीज़ लिखो, 2-3 चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, लिखो कि डेली लॉस लिमिट कितना होना चाहिए, कैपिटल के 5% मैं लेता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं कैपिटल के 5% लेता हूँ। ओके, ये डेली लॉस लिमिट हो गया। दूसरा, एक अच्छा सा सेटअप चुनो कि जिस सेटअप पे आपको डेली ट्राई करना है, ट्रेड करना है। तीसरा चीज़ कि आपको इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए, कोई भी छपरी यूट्यूबर ये सब चीज़ के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका बैक टू बैक 1 से 2 लॉस होता है तो आप सेटअप पर से उठ जाओ, भले आपका, अगर आपका डेली लॉस लिमिट खत्म हो गया तो आप सेटअप से पूरे दिन के लिए उठ जाओ, कल आना। अगर आपका लॉस लिमिट थोड़ा सा बचा है, मान लो कि 5,000 का लॉस है और 1,000 रुपये का दो लॉस हो चुका है, तो 3,000 फिर भी आपके पास है अभी लॉस लिमिट, तो आप क्या करो कि सेटअप पर से उठ जाओ, जाओ घूमो, किसी दोस्त से मिलो या कोई गाना सुनो फेवरेट, लेकिन सेटअप पे मत रहो। सेटअप पे रहोगे आपको बैक टू बैक वो ट्रेड मिलता रहेगा और आप लॉस करते रहोगे। ओके, तो ये चीज हो जाता है, तो आप सेटअप पर से उठ जाओ और आप जाओ बाहर घूमो, कुछ आधा एक घंटा टहलो, फिर मार्केट में आओ, और मार्केट में आने के बाद फिर से ट्रेड लोगे तो कुछ माइंड रिलैक्स होगा आपका और आप क्या करोगे कि आप अपने आप को मतलब अच्छा से ट्रेड एनालाइज कर सकते हो और अच्छा ट्रेड ले सकते हो। चौथा बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप दिमाग को शांत रखो, बार बार PNL मत देखो। ट्रेड लेते टाइम बार बार PNL देखोगे तो आपका मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता रहेगा। आप ये देखो कि 120 के प्राइस पे मेरा एंट्री है, 10 पॉइंट मुझे लेना है तो 130 जाएगा, तभी मैं
एग्जिट करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा। इस चीज़ से क्या होगा कि 10 पॉइंट आप 130 जाएगा, प्रीमियम का मूवमेंट देखते रहो। पीएनएल देखोगे तो 120 से 25 जाएगा, 25 से 20 आएगा, तो इस टाइप से आपका लॉस जब कम होता रहेगा ना तो आपको आप जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लोगे या लॉस बुक करके निकल जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, यही सब चीज़ फॉलो करो और 10 दिन लगातार प्रॉफिट करने के बाद जो लॉस करते हो देखना कि ये बहुत ही कम हो जाएगा, रेयर केस में आपका ऐसा लॉस होगा। आई होप आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल पे कमेंट करो इस वीडियो पे आपको क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या ऐसा गलती आप भी करते हैं। और आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा पर्सनल सेटअप लेना चाहते हैं, तो आप मेरे लिंक से धन या LIC ब्लू में अकाउंट ओपन कर लो, आपको मैं प्रीमियम ग्रुप और LIC अपना धमाका स्ट्रेटजी भी फ्री में दे दूंगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।